नमस्कार, उज्ज्वल हिमाचल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। आज हमारे बीचों केसीसी बैंक के पूर्व चेयरमैन जगदीश भैया जी मौजूद हैं। आइए उनसे जानना चाहते हैं कि कोविड 19 की महामारी के प्रकोप को वो किस तरह से देखते हैं। सर, उज्ज्वल हिमाचल में आपका स्वागत है। सर, पहले तो मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप हर जगह जगह जा कर के मेहनत करके लोगों को सचेत कर रहे हैं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सब तुम लोगों को बहुत राहत मिल रही है। और मेरी शुभकामनाएं, जहाँ तक आपने ये कोविड 19 की बात कही है, निस्संदेह पूरी दुनिया में इसका कहर है। अमेरिका जैसे बहुत सबसे बड़े देश में आज बहुत बुरी हालत थी। मैं मानता हूँ चाइना इसका जिम्मेवार है, लेकिन जिस ढंग से पूरी दुनिया में आज फैली हुई है, सब इससे सहमे सहमे हैं। जहाँ तक भारतवर्ष की बात है, भारतवर्ष के सरकार का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने समय लेते रहते अच्छे फैसले लिए, उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। पर जहाँ तक गांव की बात है, हिमाचल की बात है, मेरा सौभाग्य है यहाँ से मैं विधायक का चुनाव भी लड़ा हूँ, प्रधान भी बना हूँ, बीडीसी मेंबर हर अहदे पर रहा हूँ और चेयरमैन भी रहा हूँ। और इस इलाके में अभी तक तो कोई इस तरह का केस नहीं हुआ है, फिर भी हम लोग जिस टेलीफोन माध्यम से या जो भी ढंग हम उचित हो लोगों को सचेत कर रहे हैं कि एक बड़ी घातक बीमारी है, इससे हमने दूर रहना है, बचना है। कई लोग यहाँ मजदूर हैं, गरीब हैं। मैं कोई पेपर में देकर या चैनल पे देकर, मीडिया में देकर कोई वाह वाह लूटने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं करना चाहता हूँ, पर मेरे से जितनी मदद होती है मैं लोगों की मदद करता हूँ। और कई केस ऐसे हैं जिनको बेचारों को रोटी दें, हमने जाकर टेलीफोनिकली मेरे से संपर्क किया, व्यक्तिगत तौर भी है, हमने उनकी मदद की है। ये इस समय पर सरकार भी मदद कर रही है, लेकिन सरकार बोल कुछ रही है और प्रैक्टिकल उतना नहीं हो रहा है। और उसके पीछे जहाँ महामारी में लोग परेशान हैं, तो सरकार को जो मदद करना चाहिए, अभी जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो लोग डरे हुए हैं। और सर, मैं आपकी बात को टोक रहा हूँ। सर, आप केसीसी बैंक के पूर्व चेयरमैन रहे हैं। सर, किस तरह के इस जो वो बैंक के जो हैं सर हालात हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर, मैं आज इस समय पे किसी पे राजनीति करना कोई, मैं समझता हूँ, कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन बैंक के हालात किसी से छिपे हुए नहीं हैं। आप जब बैंक की बात कहिए, पिछले लगभग 2.5 वर्षों से कोई एम्प्लॉयज़ को, कोई जो हर साल उनको एक अवार्ड दिया जाता था, एक महीने की सैलरी दी जाती थी, लोगों को सहूलत दी जाती थी, उसमें सब लोग उससे परिचित थे। यहाँ तक इसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, एक बड़ा बैंक का दुर्भाग्य कि बैंक का सबसे जूनियर AGM में जो बैंक को देख रहा है, ये एक बैंक की कार्य प्रणाली पर सवाल है, जिसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा सरकार इसके बारे में पूर्णतः छानबीन करे कि हर बैंक में राजनीति नहीं होना चाहिए। और पिछले 2.5 वर्ष हो गए, अभी 2 वर्ष रह गए, चुनाव होना चाहिए थे, चुनावों को टाला जा रहा है। पर आज मैं ये कहना चाहूँगा, इस महामारी में इस सब्जेक्ट को पीछे करके लोगों की हित की बात करना चाहिए, लोगों की मदद की बात करना चाहिए। हिंदुस्तान में जो लोग ये इसका माहौल बना है, इसके मिलकर हमने इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ना चाहिए। आज कोई राजनीति पार्टीबाजी से उठकर हमें बढ़ना चाहिए। कांगड़ा के SP और DC अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। पर अभी जो माहौल बन रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं, इससे लोग बड़े डरे हुए हैं। सर, उज्ज्वल हिमाचल की ओर से सर जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार के कहने से भी ऊपर उठकर आप अपने आप का बचाव करें, आप डिस्टेंस को मेंटेन करें, आप फालतू बाहर ना घूमें, और जहाँ तक हो सके जो सक्षम हो गरीबों की मदद करें, क्योंकि हिमाचल में सभी लोग पूरे सक्षम नहीं हैं,
जहाँ जिसको रोटी नहीं उसको रोटी देने की जो सक्षम वो मदद करे, जिस भी ढंग से कोई मदद करे करे, और इस महामारी में सब इकट्ठे होकर के इसके विरुद्ध में लड़ाई लड़ें। और मैं चैनल को बधाई देना चाहूँगा, इन संदेशों को आप जितना जल्दी लोगों जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे लोगों को बहुत राहत मिलती है, और इसके लिए आप बड़े मैं सौभाग्यशाली भी समझूंगा, ये आप सेवा कर रहे हैं। कई लोग तो राजनीति तौर पर राजनीति होती थी, आज राजनीति की बात नहीं है, आज तो महामारी से लड़ने की बात है। आप तो हर जाति हर धर्म हर वर्ग हर राजनीति सब एक ही है कि इस महामारी से कैसे लड़ाई लड़ी जाए। सर उज्ज्वल हिमाचल में बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं पुनः आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप गाँव गाँव में जा कर के आप कहाँ से आ कर के इस जसीमपुर विधानसभा क्षेत्र में जो पुराना मेरे जब मैं चुनाव लड़ता थुल विधानसभा क्षेत्र था यहाँ आकर के लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की दशा देख रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, और इसके लिए मैं आपके चैनल का आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।